अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैंने वालेकुम सलाम, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप अच्छे हैं तो हम सब चंगे हैं। खुद ही को करके बुलंद इतना चढ़ी हो जैसे तैसे, अब खुद सोच रही उतरूंगी कैसे, उतरूंगी कैसे, जंप कर लूं, हो जाएगी कहीं गिर ना जाओ। अख डर भी लग रहा है, नहीं बहुत ज्यादा पड़ा है। आउच, गिरी गई लास्ट में, लगा ही था मुझे लास्ट में गिरूंगी। फेस हो गया, कोई देखा तो नहीं? नहीं, सिर्फ आप लोगों ने देखा, किसी को बताना नहीं। बड़े से शहरों में छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं। सेनोरिटा, आ घुटना टूट गया, चलो काम खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पर रुकी थी उमल केविन में। ये उमल केविन इंडस्ट्रियल एरिया है, फ्री जोन कहते हैं इसे। यहाँ पे दो ब्लू कलर की समर में चमकती हुई गाड़ियाँ नजर आई मुझे, एक छोटी एक बड़ी। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे खड़े थोड़े सवाल जवाब कर लेते हैं, हाल चाल पूछते हैं, गाड़ी के बारे में पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या हाल है आपकी गाड़ी के? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है गाड़ी। चलो हमें अपनी गाड़ी को दिखाएं। आपकी गाड़ी का मॉडल क्या होगा वैसे? 2001 मॉडल। 2001 मॉडल, हाँ। और आप इसके ऊपर क्या सामान ज़्यादातर लोड करते हैं? इधर से मुख्तलिफ है लोडिंग, जो भी टैक्सी लाइन में यूज़ होता है, केमिकल है और फैबर का टैंक है पानी वाला। हाँ, पानी का टैंकर भी इसमें लोड होता है? हाँ। वो कैसे? ये वो तो टैंकर की तो अलग ही आती है ना? हाँ, वो फोर्क लिफ्ट के साथ। फोर्क लिफ्ट के साथ उस पर लिफ्ट कर? अच्छा, वो जो छोटे छोटे कंटेनर मतलब आपका? हाँ, छोटे वाले। हाँ, ओके। ये जो लोग है ना, हाँ, ये कंटेनर के लिए, ये 20 फुट का भी कंटेनर लोड कर सकता है, हाँ, और 40 का भी कर सकता है। 20 फुट और 40? हाँ। वैसे ये ट्रक का जो आपका वजन कितना टन उठा लेता है? ये मैक्सिमम ट्रेलर जो है ना, ये 40 टन तक वजन उठा सकता है। ये तो अच्छी बात है। अब मुझे पता है आप कितने साल से यहाँ पे ट्रक चला रही हो? में इधर मुझे 7 साल हो गए ट्रेलर चलाते। 7 साल हो गए, माशाल्लाह। हाँ। और 7 साल का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अगर आपसे मैं पूछूँ तो? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से गाड़ी चलाया और अच्छे तरीके से ही टाइम जो है ना गुजर, माशाल्लाह। ये 2XL है। ओके। इसमें एक 6 व्हील भी होता है, जो डबल होती है, ट्रिपल एक्सल होता है। और आपके डबल है? हाँ डबल है, ये 2XL है। 2XL है। और जब भी आप इसको लेके निकलते हैं आप चेक किस तरीके से करते हैं, मुझे थोड़ा बताएंगे? इसमें हवा, ये इसमें हवा चेक करते हैं हम लोग। हाँ। 120 और 25 के दौरान इसमें हवा जो है ना हम लोग रखते हैं। और कैसे चेक करते हैं आप हवा इसमें? अगर आप इसमें ये ना इसको स्टील से ऐसे पुश करते हैं हम लोग, हाँ, मालूम पड़ जाता है इसमें हवा अच्छा है अभी। तो आप कमती नहीं है। हर वक्त कितने देर में टायर चेक कर लेते होंगे रास्ते में? तकरीबन 3-4 घंटा के बाद जो है ना ट्रेलर का टायर चेक करना मांगता है। चलो हम ये तरफ से भी आपकी गाड़ी देखेंगे। वैसे आपके पास यहाँ पे कंटेनर्स नजर आ रहे हैं मुझे, ये किचन है। किचन दिखाएं, हाँ। आपका किचन हमें थोड़ा। वैसे एक ड्राइवर होने के नाते आपको पकाना भी सीखना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, ये चूल्हा है। हाँ, ये खाने पीने का पूरा जो है ना इंतजाम है। क्या आप इंटरनेशनल जाते हो? नहीं नहीं, पहले जाता था, अभी नहीं जाता हम। तो फिर इसकी जरूरत? यहाँ पे तो एक गैस भी नजर आ रहा है मुझे। हाँ, ये हर जगह से नहीं, खाना नहीं मिलता है तो इधर ही थोड़ा बना लेते हैं, एडजस्ट करना पड़ता। ये तो अच्छी सहूलत अपने खुद के लिए कर रखी। और ये तरफ क्या है आपके पास कंटेनर में? ये तरफ के एरिया में यहाँ पर क्या है? ये जो है ना, ये चैनल है गाड़ी का, चैनल। ये सामान, हाँ, ये जो लगा, हाँ, जो सामान लोडिंग के टाइम हम लोग सेफ्टी करते हैं, ये चैनल, ये सामान लगा लेते हैं। अच्छा, वो देखो वहाँ पे भाई अपने काम में व्यस्त है। हाँ, और ये तरपाल है। हाँ, जो ऊपर जो बारिश का जो है ना, कोई भी सामान का नुकसान नहीं है, वो तरपाल है, वो भी सहूलत रखे। हाँ, ये सही आइडिया है। और क्या है ये तरफ तो कुछ खोलने के लिए है? ये जाली है। हाँ हाँ, ये जो साइड में, हाँ, जो सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पे जो आप रुके हैं, यहाँ से आप कहीं के लिए निकलने वाले हैं या कुछ है? इधर से
इधर से लोडिंग के लिए हम लोग आए, ये सेम कंपनी है। हाँ, ये तरफ क्या है? ये इसमें जो है ना, ये सेफ्टी का पूरा सामान है। सेफ्टी का? हाँ, ये चैन है। हाँ, ये हाँ, पूरे हाँ। ट्रेलर वाले के पास 3 से 4 चैन मौजूद रहता है, रहना ही होता है। हाँ, ये बेल्ट है। अच्छा, ये जिसको बेल्ट लगाएगा वो कुछ सामान बेल्ट के लिए होता है, कुछ चेन का होता है। अच्छा जी। हाँ, ये वो सामान है। तो मतलब जिस किस्म का लोड करेंगे उसको पकड़ के रखने के लिए सामान, उसकी सेफ्टी के लिए ये पूरा सामान। करेक्ट करेक्ट। हाँ, ये तो बहुत ही सही चीज़। हाँ, और यहाँ पे हमें पानी का टैंकर भी नजर आ रहा है, जैसे है ना। हाँ, ये इसका नल कहाँ पर है? ये उधर इसका जो है ना वाल्व उधर है। गाड़ी में कुछ चीज़ें बेसिक ज़रूरी होती है हमेशा रखना, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर, जो हर छोटी गाड़ी में नहीं हो तो गाड़ी पास ही नहीं होती, वैसे बड़ी का भी होता है, लेकिन बड़ी में एक्सटिंग्विशर भी बहुत बड़ा होता है जिसका वजन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि भाई अभी हमें आपका दिखाएंगे, भाई आपका वाला कितना बड़ा है दिखा, फिर आपको मेरा वाला छोटा सा एक्सटिंग्विशर दिखा। क्या ये इसके बारे में जी? हाँ। कितना बड़ा है और कितने किलो का है ये? तकरीबन 6 और 7 केजी का होगा तकरीबन। 6 से 7 किलो का। इमरजेंसी होता है उठाने में हालत बेहाल हो जाए। बिल्कुल, बहुत ही भारी है ये। हाँ। तो छोटा वाला भी होता है गाड़ी में एक्स्ट्रा कि नहीं? वो अपनी मर्जी से एक सिंगल भी रख सकता है। ये डबल है। हाँ, डबल का। हाँ। डबल भी, सिंगल भी होता है? हाँ, सिंगल भी होता है। वो अंदर होगा शायद। हाँ, वो अंदर भी होता है। अभी मेरे पास ये सिंगल है। अच्छा, मुझे आपकी ट्रक भी देखनी है अंदर से कैसी है। अच्छा, तो आपने हथौड़ी यहाँ पे ये क्यों रखी हुई है वैसे? वो आदमी का वजन के लिए ना, ये आदमी का ज्यादा वजन होएगा तो ये टूटना नहीं चाहिए, इसके लिए सेफ्टी के लिए। अच्छा, तो आपका तो इतना वजन लग नहीं रहा मुझे। हाँ, तकरीबन तकरीबन माशाल्लाह। अच्छा, साफ सफाई तो मेंटेन की है, कहना पड़ेगा 2001 का मॉडल है, लेकिन हालात देख के नहीं लग रहा कि 2001 का मॉडल, हालात मुझे इसकी सही नज़र आ रही है। यहाँ पे सब कुछ ठीक लग रहा है। अच्छा, मेरे वजन के लिए तो ठीक है ना ये? हाँ, ये आपका वजन के लिए बराबर है। ये सही हो गया। अब तो ये रहा आज का हमारा कन्वर्सेशन भाई के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे फॉलोअर्स को बोले मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मैडम का इंटरव्यू के लिए जो भी है ना, इसका फॉलोअर है और मैडम अच्छे इंटरव्यू करते हैं। तकरीबन जो ट्रेलर के लिए और भी मालूम आता है, ये रेडिएटर के लिए पानी है। ओके। रेडिएटर का ये ऑयल वाला। अच्छा। ये ऑयल का है और इसमें, और ये फिल्टर है, ये एसी का है, और भी कुछ, और इंजन के बारे में भी, उधर इंजन है बड़ा वाला। हाँ, जो ये हाँ, मैंने इसका मैकेनिकल सीखना फिलहाल शुरू किया है। मैं रास्ता के बारे में ये भी सीख रही हूँ। कभी आपने मेरा यूट्यूब देखा पहले कभी? नहीं। आज देखिएगा और अपने घर वालों का शेयर कीजिएगा। बताएं भाई कि जैसे आपका माशाल्लाह मेरे से ज़्यादा आप सीनियर है, 7 साल का आपका एक्सपीरियंस है ट्रकों का। बिल्कुल। तो आपको रोडों की ये तो जानकारी होगी कितने बजे से कितने बजे तक कहाँ हम जा सकते हैं गाड़ी लेकर। कौन सा कंट्री का? इमारात का हम पूछेंगे जहाँ पे है, क्योंकि अभी तक देखिए मैं यूएई के बाहर नहीं गई। एक बार ओमान का बना था लेकिन वो भी नज़दीकी खसब की तरह। जो मैडम जो अबूजबी का सिटी है ना जी, उसका रोड का टाइमिंग है सुबह 6:30 से लेके दिन में 9 बजे तक। अच्छा, फिर 9 बजे से स्टार्ट गाड़ी चल सकता है, फिर 3 से लेके शाम के 6 बजे तक। अच्छा, फिर रोड बंद है ट्रेलर का, और उस वक्त हमने ट्रक पार्किंग एरिया में रुक जाना होता। हाँ, है बराबर। उसके बाद अलाउ ने जो रोड बंद है। हाँ। उसके टाइमिंग में ट्रेलर जो है ना वो किसी भी पार्किंग में सेफ करना जो है ना लगाना जरूरी है। और अगर फर्ज करें कि अभी आपका एक पार्किंग छोड़ गया। हाँ, बिल्कुल। और रास्ता बंद होने का वक्त आ गया। बिल्कुल। फिर आप क्या करोगे? 5-10 मिनट में दूसरा पार्किंग जो है ना उधर आ ही जाता है। हाँ, उधर पहुंचना जरूरी है। ठीक है, तो मतलब जो शारजा का रोड का टाइमिंग है ना वो 5:30 से 8:30 बजे तक सुबह 5:30 से लेके शारजा का। हाँ। वो जो है ना सुबह 8:30 बजे तक। अच्छा, सुबह 8:30। फिर
तीन बजे से लेके 8 बजे तक शाम को। ओके। ये टाइमिंग है शारजा का। जो इधर उमल क्वीन में जो ये शेख मोहम्मद बिन जैद रोड है ना, इसका 24 घंटे का जो है ना न्यू एंट्री है। अरे वो अभी रात 12 बजे से लेके सुबह 5:30 तक ओपन है, फिर बाद में 5:30 से लेके रात 12:30 बजे तक बंद है। अरे इतना जो है ना इधर उमल क्वीन का एरिया में ये टाइमिंग है इसका। अच्छा जी, तो सबके अपने अपने। हाँ हाँ बिल्कुल। जो दुबई है उसका सुबह 6:30 से लेके 8 बजे तक है, फिर 1 से लेके 3 बजे तक है। तो ये सब आपको इतना सब याद रखने वक्त पे कैसे, कौन आपको बताता है, कंपनी बताती है? मैंने पूरा ड्राइवर को खुद मालूम होएगा। खुद आपने? हाँ, क्योंकि इतना टाइम हो गया वो जो रोड बंद में गाड़ी चलाएगा वो ड्राइवर को जो है ना पुलिस लाजम फिर फाइन देगा। अच्छा। वही ये रोड बंद है अभी इस टाइम आप किधर कैसे चले, क्योंकि जहाँ तक मैं कैसे अंदाजा लगाती हूँ रोडों पर ये होते हैं। हाँ। टाइमिंग के बोर्ड होते हैं, बिल्कुल उसको भी फॉलो करना। हाँ, चाहिए बस बोर्ड को देखते हुए, जैसे हम सिर्फ लोकेशन के लिए ही नहीं रूट के लिए भी देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम तो बोर्ड को फॉलो करके मालूम पड़ेगा, फिर लेकिन बाद में खुद मालूम पड़ जाएगा, याद हो जाएगा। ये बात सही, तो इसी को कहते हैं एक्सपीरियंस। हाँ बिल्कुल, जो नया आदमी है वो फिर पूछ लेता है वो जैसे कि मैं आपसे पूछ रही हूँ इस वक्त, है ना? ओके। सही बताया ना मैंने? बिल्कुल। क्योंकि एक्चुअली मैं अभी तक सच बोल रहा, देखा जाए तो जिंदगी भर सीखने के लिए कम ही है। बिल्कुल। और वैसे ही मेरे लाइसेंस का भी साल भर ही हुआ है, और मैंने ज्यादा हाई ज्यादा बड़ा बाहर बाहर का नहीं लिया, या तो मैं फील्ड के अंदर का लेती हूँ। ये पूरी जानकारी के बारे पूरा आदमी का इंटरव्यू लेते हैं, बाद में आपको धीरे धीरे पूरी जानकारी हो जाएगी ना। फिर जो नया आदमी आएगा वो आपको पूछेगा, आप बताएगा। हाँ मैं तो उनको बोलूंगी मेरी वीडियो देख लो और सीख जाओ। बिल्कुल ऐसा आसान ही हो जाएगा। लोडिंग फिनिश है, फायदा है ना, देखो आप लोगों का मुझे सब्सक्राइब करने का। करना, मैं पूछ के सीखती हूँ, आप मुझे देख के सीखो। थोड़ा ट्रेलर बैक करना है। ठीक है, बैक कर लेते हैं। चलो काम खत्म हो गया, लोडिंग का भी थोड़ा काम पे लग जाता है। स्टे ट्यून्ड। तो ऐसा था हमारा आज का सफर भाई के साथ, आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। ओके, आपकी गाड़ी का सेल करवाने का बहुत शुक्रिया। ओके मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।